नीट एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो स्टूडेंट्स जो कि नीट एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, और दूसरे वो बच्चे जो कि नीट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। इन दोनों बच्चों के अंदर मेन डिफरेंस ये होती है, बच्चे जो नीट एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं उनको पता होता है कि किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है और किस तरीके से उसको पूरे साल भर फॉलो करना है। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चे जो कि सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो टाइम टेबल तो बहुत सारे बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। नीट एग्जाम खाली आपसे टाइम मैनेजमेंट मांगता है। अगर आप टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए तो उसकी वजह से आप नीट को बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ बेस्ट टाइम टेबल जो कि आपको हेल्प करेगा नीट को क्रैक करने में। मैंने इस टाइम टेबल को खुद पहले फॉलो किया है जिसकी वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही नीट को क्रैक कर पाया हूँ। तो आप भी अगर इसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा और आपके मार्क्स 700 से ऊपर आ रहे होंगे। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या आपको पता होने चाहिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक है। हमारे पास नीट के अंदर तीन मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो नीट को देते हैं उनका फिजिक्स वीक सब्जेक्ट होता है और बायोलॉजी और केमिस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे काम क्या करते हैं, वो दिन भर खाली बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं और फिजिक्स को बिल्कुल इग्नोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट बायोलॉजी और केमिस्ट्री है उतना ही इम्पोर्टेंट फिजिक्स भी है। या आपका अगर कोई और सब्जेक्ट वीक है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सबसे ज़्यादा टाइम उस सब्जेक्ट के ऊपर स्पेंड करना है। सेकंड पॉइंट, क्या हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगर मैं आप सभी से बात करूँगा, हमारे पास टोटल दिन के 24 आवर्स होते हैं, इसमें से 7 to 8 आवर्स आपको सोना है, क्योंकि सोना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर उसके बाद 5 to 8 घंटे आप लोगों की कोचिंग होगी ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद 1-2 घंटे मैंने यहाँ पे खेलने के लिए और एक्सरसाइज के लिए रखा है, क्योंकि आपको साल भर मेहनत करनी है, आपको साल भर पढ़ना है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज हर दिन करनी होगी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। और बचे हमारे पास 4 to 5 घंटे, तो अगर आप वो टाइम सेल्फ स्टडी के अंदर लगाते हैं वो एनफ है। लेकिन उस टाइम पे आपको कोई भी और एक्टिविटी नहीं करनी है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्या करते हैं, जब वो पढ़ने बैठते हैं तो वो मोबाइल चलाते हैं, बीच में मोबाइल चलाते हैं या कुछ और चीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको 4 to 5 घंटे कंटिन्यू हर दिन अगर आप पढ़ेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है। YouTube के ऊपर आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि बोलते हैं हम 14 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल झूठ है, उतना कोई नहीं पढ़ पाता है। अगर आप इतना ही पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं भी इतना ही पढ़ता था। आपको भी अगर आप इतना ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपका ईजिली सिलेक्शन हो पाएगा। तीसरा पॉइंट, टाइम टेबल जो कि मैं फॉलो करता था अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट और एक्सरसाइज करता था। फिर उसके बाद 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मेरी क्लासेस थी, मैं ऑनलाइन पढ़ता था फिजिक्स वाले से, तो मेरी 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस हर दिन होती थी, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और साथ में मैं उसके साथ नोट्स भी बनाता था साथ साथ में क्लास के दौरान। फिर 1 to 2 बजे तक मैं लंच करता था और उसके साथ साथ मैं वॉक पे जाता था, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत नींद भी आती है तो वॉक से नींद जो है वो भाग जाती है। फिर 2 बजे से लेके मैं 5 बजे तक बायोलॉजी पढ़ता था और बायोलॉजी के अंदर वो टॉपिक्स पढ़ता था जो कि मैंने अभी क्लास में पढ़े थे सुबह। और उसके साथ साथ अगर मेरे टेस्ट कोई आने वाला था तो उसका जो सिलेबस होता था वो भी मैं पढ़ लेता था। फिर 5 बजे से लेके 8 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ता था और फिर 8 बजे से लेके 9 बजे तक डिनर और वॉक। फिर 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं फिजिक्स पढ़ता था और फिर 12 बजे से लेके 6 बजे तक मैं सोता था। ये मेरा टाइम टेबल है, आपको इसको एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना है, आप इसको अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे जो है उसका पैटर्न अलग होता है, उसके पढ़ने का पैटर्न अलग होता है। बस आपको उस पैटर्न को पहचानना है और उसके मुताबिक आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। जो मैंने ये टाइम टेबल आपको बताया है, मैं इसको एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर पाता था हर दिन। कभी कभार कुछ चीज़ें जो है वो इधर उधर हो जाती थी, लेकिन उनका आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मैक्सिमम टाइम आपको कोशिश करनी है कि आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, और जो आप अभी एक टाइम टेबल बनाएंगे उसको साल भर कंटिन्यू करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी तो 1-2 मंथ टाइम टेबल बनाया लेकिन फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, फिर दूसरा टाइम टेबल बनाते हैं।
इसी तरीके से वो खाली टाइम टेबल बनाते बनाते रह जाते हैं, आपका एग्जाम आता है और आपको पता नहीं चल जाता है। तो इस तरीके से आप, तो इसलिए आप एक ही टाइम टेबल बनाइए लेकिन उसको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। तो आप सभी बच्चों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आपके पास एक साल है, इस एक साल के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर बहुत ही कम आ रहा है तो आप उसको ईजिली 600, 650 अबो 700 उसके ऊपर भी ले जा सकती है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी करके दिखाया है, आप भी कर सकती है। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।